मेरा आप सभी का बहुत स्वागत है स्टॉक एनालिसिस करें। उसका नाम है और चेस इंटर जिम इंटर बना रहा हूँ। तभी स्टॉक ट्रेड हो रहा है 16 पैसे। उसके तो बाद ना वैसे भी कुछ आप उसे अवॉइड कीजिए। उनसे तो आप लोग चार्ट पे वहाँ पर चेक करें स्टॉक ने कितना रिटर्न दिया है। स्टॉक ने मैक्सिमम टाइम में जो रिटर्न दिया वो दिया -19.1%। हाईएस्ट रिटर्न दिया है 170.7%। 1 ईयर रिटर्न दिया है 295%। पिछले 1 साल में स्टॉक लगभग 3 गुना हो चुका है। क्वार्टरली रिटर्न दिया है 132.14%। 6 मंथ रिटर्न दिया है 64.58%। 1 मंथ में रिटर्न दिया है 4.98%। 5 डेज रिटर्न दिया है 11.27% एंड 1 डे में रिटर्न दिया है 0.34%।
और नंबर 8 पे है परचेस लिमिटेड। डाला प्लेटफॉर्म जो कंपनी है उसके एक साल से पहले काफ़ी 40-50 का उसका ट्रेड कर, अभी आप देख पा रहे हैं कि काफ़ी शानदार रिटर्न दिया है स्टॉक में। इसका क्वार्टरली जो चेक करते हैं इस वक्त 2018 में जो इसकी नेट प्रॉफिट 3.83 करोड़ की, और 2021 में जो इसकी नेट प्रॉफिट है वो है 0.24 करोड़ की। प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट चेक करते हैं मार्च 2010 में जो इसकी नेट प्रॉफिट थी 0.74 करोड़ की, और मार्च 2021 में जो इसकी नेट प्रॉफिट वो है 0.21 करोड़ की। कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ 10 ईयर्स माइनस 4%, 5 ईयर्स में माइनस 10%, 3 ईयर्स में माइनस 57%, कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ 10 ईयर्स माइनस 13%, 5 ईयर्स में 15%, 3 ईयर्स में 16%, स्टॉक प्राइस CAGR 10 ईयर्स में 14%, 5 ईयर्स में 22%, 3 ईयर्स में 14%, 1 ईयर में 294%। रिटर्न ऑन इक्विटी 10 ईयर्स में है माइनस 1%, 5 ईयर्स में 4%, 3 ईयर्स में 2%। पहले से चेक करते हैं मार्च 2010 में जो इसकी टोटल एसेट 115.51 करोड़ की थी, और 2021 में जो इसकी टोटल एसेट्स है 131.17 करोड़ की। कैश फ्लो चेक करते हैं मार्च 2010 में जो इसकी नेट कैश फ्लो थी 0.12 करोड़ की, और मार्च 2021 में जो इसकी नेट कैश फ्लो है 0.08 करोड़ की है, जब नेट कैश फ्लो कम हुई है। रेशियो चेक करते हैं मार्च 2010 में जो इसकी ROC थी 1.14% की थी, और मार्च 2021 में जो इसकी ROC है वो है 1.01% की, यहाँ पर इसकी ROC कम हुई। शेयर होल्डिंग पैटर्न चेक करते हैं दिसंबर 2018 में कंपनी के पास जो शेयर थे 90% शेयर थे, और सितंबर 2021 कंपनी के पास जो शेयर हैं 19.06% शेयर थे, यहाँ पर प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग बढ़ी हुई है। दिसंबर 2018 कंपनी के पास जो शेयर थे 80.99% शेयर थे, और सितंबर 2020 कंपनी के पास जो शेयर हैं 80.94% शेयर हैं, कंपनी की शेयर होल्डिंग कम हुई है। जैसा कि देख पा रहे हैं स्टॉक में कांग्रेस अपनी शेयर होल्डिंग मामूली से बढ़ाई हुई है, तो स्टॉक को कंपनी होल्डिंग कंपनी बढ़ा दी है, मुझे लगता है कंपनी का ग्रोथ है वो पॉजिटिव है, कंपनी को अच्छा करें। दोस्तों मैंने शेयर एनालिसिस किया और चेस लिमिटेड। दोस्तों पैसा आपका है तो फैसला भी आपको ही करना है, किसी भी शेयर में निवेश करने के पहले अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह अवश्य लें। दोस्तों एक वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।